बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। नानो के व्लॉग चैनल में खुशामदीद। मैं हूँ नानो। मैं हूँ इनकी बेटी। वेलकम टू अवर चैनल। अगर अभी तक आपने नमाज अदा नहीं की तो पहले नमाज अदा कर लें और साथ साथ हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भी पढ़ लें। मैं आज जा रही थी शादी पर, मेरी दोस्त है तो उसके बेटे की शादी, तो मैं यूं ही चलने लग पड़ी थी कपड़े वगैरह पहन के, तो मेरी बेटी पीछे ही पड़ गई है। सैरिश कहती है कि नहीं अम्मी, थोड़ा सा तो मेकअप कर ले। तो मैंने कभी नहीं जिंदगी में इतना मेकअप किया, कभी है सुरमा वगैरह जरूर डालती हूँ और लिपस्टिक वगैरह मैं बहुत कम लगाती हूँ, लेकिन ये मेरी बेटी जान ही नहीं छोड़ रही। तो मैं जब से मेरी शादी हुई है उसके बाद मैं आज दूसरी दफ़ा तैयार होने लगी। देखिए आप सैरिश कैसे मुझे तैयार करती है। नानो की दोस्त के बेटे की शादी थी तो नानो ऐसे ही जा रही थी। मैंने कहा आप ऐसे ना जाए, उन्होंने कहना कि कैसे इनके बच्चों ने इनको ऐसे भेज दिया, तो आप थोड़ा सा तैयार हो जाए। कपड़े तो सभी देखते हैं, लेकिन थोड़ा सा अपना मेकअप वगैरह भी मैं आपको कर देती हूँ। तो मान नहीं रही थी। मैंने कहा भी चले मैं आपको थोड़ा सा करती हूँ, बिल्कुल हल्का सा। आज नानो को करना है तैयार और नानो आज से तकरीबन पहली या दूसरी दफ़ा मेकअप कर। मैंने इसे कहा है कि ना मेकअप करो, जब इंसान एजड हो जाता है ना फिर मेकअप अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये मेरी जान ही नहीं छोड़ी, बार बार मुझे फोर्स कर रही है कि नहीं नहीं अम्मी आप मेकअप करवाएं, ऐसे आपकी ग्रेस बनेगी चेहरे की, आप अच्छी लगेंगी। लेकिन मैं इसको बार बार यही कह रही हूँ कि नहीं मेरा नहीं दिल चाह रहा है। तो देखें आप ये क्या करती है, अब मैं इसके इसरार पे करवाती हूँ मेकअप, ये क्या करती है, कैसा मेकअप करती है, क्या नानों की शक्ल को बिगाड़ती है या संवारती है। देखें आप आगे जाकर बिगाड़ना क्यों, मैं संवारूंगी इंशाल्लाह, दिखाते हैं। आज हम करते हैं नानों का मेकअप। तो आपको एक और बताऊँ, मेरे पास सादी सी चीज़ है, मैंने खुद भी कभी इतना खास मेकअप नहीं किया, सादा सा थोड़ी बहुत चीज़ें जो रखी हुई हैं उन्हीं के साथ करने। लेकिन नानो का मेकअप ये मैक की बेस है, तो ये स्किन के कलर की है बिल्कुल, तो ये बेस नानो का लगा लेते हैं थोड़ी सी ऐसे। हमारे पास स्पंज भी नहीं है, हम हाथ से लगाने लगे हैं जो है उसी में इंसान को शादी का मुजाहरा करके तैयार होने की कोशिश करनी चाहिए, फिर ही पता चलता है। तो मेरे पास स्पंज नहीं है और लॉकडाउन है, हमारे यहाँ से मिल भी कुछ नहीं रहा, ना मैं लेने गई, हाथ से काम चला लेते हैं। बड़े बड़े जो ब्यूटिशियन है ना टीवी पे, मैं अक्सर देखती हूँ निदा यासर के प्रोग्रामों में, हाथ से ही करते हैं सारे मेकअप, उंगलियों से मेकअप करते वक्त नहीं बोलते। चुप कर, तो मैं सही बात बता रही हूँ ना, मैं कोई गलत बात तो नहीं कर रही, चुप नहीं करते पे। स्पंज की कोई जरूरत नहीं है, उंगली से ही हो जाता है बड़ा प्यारा मेकअप। लेकिन प्लीज कोई बहू बिलाना बना देना मुझे। अच्छा बहू बिलाने बनाऊंगी। मैं भी कोई इतनी एक्सपर्ट ब्यूटिशियन नहीं हूँ, बस जो अपना थोड़ा बहुत कर लेती हूँ वही नानो पे अप्लाई कर रही हूँ कि नानो थोड़ा सा बेहतर बन के जाएं। उन्होंने कहना है इनकी बेटी इनको कुछ नहीं करती, ऐसे भेज दिया है शादी पे। सही है ना, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थोड़ा सा बड़ों को भी थोड़ा सा करना चाहिए, अपना ख्याल रखना चाहिए। हमारी जो माएँ हमारी सासें ऐसे चली जाती हैं, नहीं करती, उनको थोड़ा सा अगर आप फोर्स करें तो वो भी थोड़ा सा शायद अपना कर लें हुलिया बेहतर। ये मैक की बेस है, ये बहुत अच्छी बेस है वैसे, मैं ये यूज़ करती हूँ स्कूल जाते वक्त भी, थोड़ी सी लगा लेती हूँ, बहुत ये बंदे को चीटा कर देती है, थोड़ी सी लगाए तो चीटा हो जाता है। मैं बेस नानो की लग चुकी है, देखिए आप कितना अच्छा हो गया नानो का। मैंने वेखंड दे के ते पता नहीं किस तरह का मेकअप किया, ये वेखंड दे मैंने थे बाबू की कर छोड़े अभी नहीं, आपको जाने देना सही है, मुझे देख लेने दो ना क्या कैसा किया कहीं आपने मेरा। नहीं नहीं कुछ नहीं, आपके जो खराब किया मैंने आपको बहुत प्यारा, एक दफा देख लेने दो यार अम्मी, ठहर जाओ ना तुसी ना। अब नानो की आंखों का मेकअप करते हैं। देखिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ, मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, ना ही मुझे प्रोफेशनल आता है, हम जो सादा खुद करते हैं वही नानों को कर रहे हैं। तो हम नानों को हाशमी सुरमा लगाने लगे हैं, काजल लगाते हैं कुछ लोग, लेकिन मैं भी सुरमा लगाती हूँ, नानों भी सुरमा लगाती हैं। चलो नानो ये लग गया सुरमा, ये देखें जी हमारी नानो के आई शेड मैंने लगा ली है। आई शेड लगाते हुए आपको मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मेरे पास जो आई शेड्स के वो किट है ना वो सही नहीं है, टूटी हुई है, मैंने कहा वो नहीं आपको दिखानी। तो ये देखें सच बोलते हैं ना, ये देखें आई शेड्स हमारे लग चुके हैं, हल्का सा पिंक लाइट पिंक कलर लगाया शाइनिंग वाला। अब लाइनर लगाने लगे नानो को, ये जो है ना मेरे पास लाइनर है एक्वा का और ये इस ब्रश की मदद से लगाना, ये पानी की मदद से लगता है, ये देखें इसको मैंने थोड़ा सा भिगो दिया हुआ है।
ये देखिए एक आंख का लाइनर लग चुका है, दूसरी आंख का भी हम इसी तरीके से लगा लेंगे। नानो की ये देखिए आईज का मेकअप हो गया, नानो आईज बंद करें, आईज का मेकअप हो गया। ये देखें हल्का सा मैंने लगाया लाइनर, हल्का सा जो है ना ये लगा के सुरमा लगा के अब नानो को लिपस्टिक लगाने लगे हम। करे ना यार सेब नहीं खान लगे नानो की करदे हो, हाँ करो हाँ यार की करदे हो, मी कभी मुंह बंद कर रहे कभी खोल रहे यार अम्मी की करदे हो नानो हंस रही है साथ साथ, यार अम्मी की करदे हो आहें मैं कड़ा उत्तर जाने मेकअप कर दी हुनी है, तू आवे मेनू तंग करने वाली गल कर रही थी, मैं कड़ी मतलब हूँ मेकअप करना, तू मैं नहीं मतलब कि जहाँ किया मेकअप देख तो मैं नवा तरह शीशे के बेच अक्कां तरह हाय हाय नहीं एड्डी गाढ़ी सुरखी लाशली या पागले जाइए कि हल्के रंग की लानी सी जी कुदरती रंग हों पिंक गुलाबी जहाँ जरा निका जहा नीम गुलाबी है नीम गुलाबी जहा भी अखा कि भैड़ा बना छोड़ा मेरे मुंह पर ये देखिए व्यूअर्स नानो कितनी प्यारी लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है, मैं इनके साथ खड़ी हुई नहीं अच्छी लग रही है। अर्श घट कर वे कहना ज्यादा कर देता है तू की मेनू बना देता वे ना ना मेकअप करी दा केड़ी उम्र दा तू मेनू कर छड़ा ना मेकअप व्यूअर्स आप बताना अच्छी लग रही है ना नानो ज्यादा मेकअप नहीं है ना मेरे पास खड़ी हुई कितनी प्यारी लग रही है नानो। अम्मी मेरी बात सुने जब उधर शादी पे जाएंगे ना तो सारे तैयार हुए होते हैं फिर नहीं फील, अब घर में अकेले हो ना फिर फील होता है, तो आप बहुत प्यारी लग रही है। व्यूअर्स आपने कमेंट जरूर करना है कि नानो कैसी लग रही है। ये नानो को मैं ना इयररिंग्स पहनाने लगी हूँ, नानो के जो ड्रेस है उसके साथ सिल्वर कलर की वो पट्टी सी है तो ये इयररिंग सूट करेंगे साथ, तो ये तारे ना ये वाली जो मानी है चले अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह 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 नानो तैयार हो चुकी है और देखिए कितनी प्यारी लग रही है। ड्रेस नानो का तकरीबन डार्क डार्क कलर का है, ग्रीन डार्क कलर है, तो ये देखिए टॉप्स की नानो ने इयररिंग्स भी पहन ली है, नानो तैयार हो गया सिंपल है नानो, इतनी वो नहीं और नहीं लग रही, लेकिन नानो को बस वहम है कि लिपस्टिक काम करो, अभी नानो ने ऐसा करना है नानो ने बाहर जाना है और मुझे पक्का पता है कि नानो ने लिपस्टिक कौन सी है ना ये मिटा देनी है ये काम कर देनी है क्योंकि मुझे पता है उनका। तो अब पूछे हम नानो आपको कैसा फील हो रहा है? ठीक ही आपने किया लेकिन ये लिपस्टिक बहुत ज्यादा ओवर है ना तो मैं इसको अभी आपने कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको नानो की ये लुक कैसी लगी है। देखो चला कॉक आ रही है मामा ने, अली क्यों किसकी नानो है? अली का रिएक्शन देखे नानो की तैयारी के बाद, अली क्यों नाराज हो? ओ मुझे डांट रहा है अली के नानो को ऐसे क्यों तैयार किया है? अली नाराज हो रहा है कि आपने नानो को क्यों ऐसा मेकअप कर दिया और नानो को कौन सा लुक दे दिया लड़कियों वाला, तो अली ऐसे आके घूरियां पा रहा है। अली नानो के पास भी नहीं जा रहा, अली मेरे पास भी नहीं आ रहे, मैं कह रही हूँ आप मुझे हक करो नहीं कर रहा। अली पारी कर दो नानो को, पारी कर दो नानो को, पारी कर दो, पारी कर दो, अली पारी कर दो, देखे पारी कर लो, पारी भी नहीं कर रहा, पारी कर दो। कर इसके साथ ही आज की वीडियो का करते हैं खत्म। नानो आपसे अब इजाजत चाहती है, हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर देना, मक्खी नहीं छड़ती भी जान मक्खी मेकअप चंगा लग पे कर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर देना, तो नानो अगले वीडियो तक के लिए व्लॉग तक के लिए आपसे इजाजत चाहती है। नानो कहती है अल्लाह ने के बाद अल्लाह ने के बाद।